गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर 6 की स्टडी की थी, जिसमें हमने स्टडी किया था क्रिया के बारे में। अब हम इसके अभ्यास कार्य की स्टडी करेंगे। का है सही विकल्प का चयन कीजिए। क्रिया के करने को कहते हैं, क्रिया किसके करने को कहते हैं? कार्य के। तो यहाँ हम लिखेंगे कार्य। सेकंड है के बिना कभी वाक्य नहीं बन सकता। किसके बिना कभी वाक्य नहीं बन सकता? क्रिया या फिर कर्ता, क्रिया के बिना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिया। क्रियाएं प्रकार की होती हैं। क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर की फोटो आपको सेंड कर दी जाएगी, उसमें से देख के आपको उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। अब नेक्स्ट है ग। क्रियाओं की के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। इसमें हमें क्या करना है? ये क्रियाएं दे रखी हैं, इनका सही रूप बदल कर हमें यहाँ लिखना है। जैसे मुझे अब बहुत दर्द होना इसकी क्रिया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि अब आ गया इसमें, तो क्या है? अभी प्रेजेंट में है, इसलिए हमने यहाँ किया है हो रहा है। सेकंड है राहुल ने कल फूल। अब इसमें क्या है? कल। तो इसमें क्रिया क्या है? तोड़ना। तो हम लिखेंगे राहुल ने कल फूल तोड़े थे। थर्ड है दक्ष कल कपड़े, और क्रिया इसमें क्या है? धोना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? दक्ष कल कपड़े धो रहा था। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में, और इसकी क्रिया क्या है? उड़ना। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अपूर्व स्कूल पैदल, क्रिया है इसकी जाना। तो अपूर्व स्कूल पैदल जा रहा है। ओके, अब हम इसके रचनात्मक कार्य पे आते हैं। इन वाक्यों में से सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया छाटिए। हमें इन सेंटेंसेस में से बताना है कि किसमें अकर्मक क्रिया है और किसमें सकर्मक क्रिया है। फर्स्ट है किसान फल काट रहे हैं, तो इसमें क्रिया क्या है? काट रहे हैं। काटना इसमें क्या है? क्रिया है। और फसल क्या है यहाँ? कर्म है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि वो क्या चीज क्या काट रहा है? तो इसमें कर्म आ गया। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया इसमें क्या है? काटना। काटना इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। सेकंड है लड़के खाना खा रहे हैं, तो इसमें खा रहे हैं क्या? खाना। खाना यहाँ क्या आ गई है? क्रिया आ गई। और ये खाना क्या है? कर्ता, सॉरी कर्म। तो कर्म आ गया इस सेंटेंस में। तो खाना यहाँ क्या हो गया? खा रहे हैं, यहाँ क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे खाना। ये इस खाना को हम क्रिया बोलेंगे, और इसको इस खाना को हम बोलेंगे कर्म। लड़कियां खेल रही हैं, अब क्या खेल रही हैं ये हमें नहीं पता। तो इस सेंटेंस में क्या है? कर्म नहीं है। तो ये क्या है? खेलना यहाँ क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे खेलना। नेक्स्ट है घोड़ा दौड़ा, तो दौड़ना क्या हुआ यहाँ? अकर्मक क्रिया। तो हम यहाँ लिखेंगे दौड़ना। ओके,
योर चैप्टर इज़ फिनिश और आपको ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में करना है।